सो so, प्यारे बच्चों वेलकम अगेन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर जॉइंट्स इन अवर बॉडी अदर देन दोज व्हिच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दीज आर ग्लाइडिंग जॉइंट्स विच आर प्रेजेंट इन अवर फीट दीज जॉइंट्स आर फाउंड इन अवर बैकबोन एंड दी एंड हेयर यू कैन सी द डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर हैंड्स ऑल्सो ओके नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्केलेटन वॉट इज द स्केलेटन तो बच्चों स्केलेटन हमारी बॉडी का वो पार्ट होता है जो हमारी पूरी बॉडी को देखिए सपोर्ट देता है हमारी बॉडी को शेप देता है और हमारे इंटरनल टिश्यूज या डेलीकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देता है सो हेयर द स्केलेटन इज डूइंग थ्री थिंग्स फॉर एस द फर्स्ट वन इज इट इज सपोर्टिंग इट गिवस ए शेप एंड इट प्रोटेक्ट्स ठीक है हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि किडनीज हार्ट लंग्स स्टमक ठीक है इन सब चीज़ों को सपोर्ट और प्रोटेक्शन का काम जो है वो ये स्केलेटन करता है अब आपने बहुत सारे कार्टून्स में इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा बहुत सारे बच्चों ने अपने स्कूल की लेबोरेटरीज में या कभी किसी वो मेडिकल कॉलेज गए हों तो वहाँ भी उन्होंने इस तरह का स्ट्रक्चर जरूर देखा होगा ओके अब हम इन सबको बारी बारी से डिस्कस करेंगे सो व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ आवर स्केलेटन हमारे स्केलेटन के मेन पार्ट्स क्या क्या हैं सबसे पहले आता है स्कल फिर आती है बैकबोन फिर आता है रिब केज फिर आते हैं शोल्डर बोन्स देन यू कैन से पेल्विक बोन्स यू कैन ऑल्सो डिस्कस बोन्स ऑफ आर्म्स और लेग्स भी इसमें आते हैं ठीक है बोन्स ऑफ रिस्ट एंकल हैंड्स एंड फीट दीज कैन ऑल्सो बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर स्केलेटन बट मेनली हम चार चीजें ही डिस्कस करेंगे सो द फर्स्ट वन इज स्कल वॉट इज द स्कल ओके तो स्कल बच्चों एक स्केलेटल स्ट्रक्चर है हड्डियों का बना हुआ स्ट्रक्चर है ठीक है जो हमारे फेस को प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट देता है ठीक है ठीक है फेस को सपोर्ट देता है प्रोटेक्ट भी कर रहा है साथ ही साथ ये जो ऊपर का पोर्शन आप देख रहे हैं ये हमारे एक ब्रे बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सेल्फ ब्रेन उसको ये प्रोटेक्शन देता है ये जो अपर पार्ट है ये जो ऊपर का पार्ट आप देख रहे हैं ये ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है ओके अब हमारे इस पूरे स्कल में ये जो नीचे वाला पोर्शन है बस यही मूवेबल है इसी की हेल्प से हम कोई खाना चबा पाते हैं या बोल पाते हैं ठीक है अगर ये नीचे वाला मूवेबल नहीं होगा तो वी नॉट अटर वर्ड ऐसे करके आवाज़ आ सकती है अगर हम नीचे का लोअर पोर्शन ये जो लोअर जॉ है अगर हम इसको ना हिला पाए तो।, तो सिर्फ पूरे स्कल में यही एक लोअर जॉ बोन है जो मूवेबल है बाकी सारी की सारी चीज़ें एम मूवेबल होती हैं नेक्स्ट इज बैकबोन तो बच्चों बैकबोन हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और ये जो है बैकबोन वो हमारे हेड यानी जो स्कल है स्कल के बेस से स्टार्ट होती है और पेल्विक रीजन तक जाती है जो पेल्विक बोन्स हैं वहां तक ये स्ट्रेच होती है ओके okay? ये बहुत सारे छोटे 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 हड्डियों से मिलकर बनी होती है और वो हर छोटी हड्डियों के बीच में कार्टिलेज नाम का एक सब्सटेंस होता है अब ये कार्टिलेज क्या होता है वी विल ऑल्सो लेटर बट फिलहाल आप ये देखिए बैकबोन है देर आर थ्री कर्व्स एक कर्व ये है सेकेंड कर्व स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड एंड एट हेयर और थर्ड कर्व स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड एंड हेयर तो यहां पर तीन कर्व्स हैं आपको हल्की सी ये एस शेप की दिखाई दे रही होगी सो इट इज नॉट स्ट्रेट इट इज अ बिट इन दिस शेप ये थोड़ी सी एस आकार की होती है एंड इट गिव्स फ्लेक्सीबिलिटी टू अस अगर ये फ्लैक्सीबल नहीं होगी तो हम झुक कर कोई भी सामान उठा नहीं पाएंगे ठीक है हम झुक सकते हैं बिकॉज दिस इज फ्लेक्सीबल ऑलमोस्ट होल ऑफ आवर बॉडीज वेट लगभग हमारे बॉडी का भार सारा का सारा भार जो है वो इसी बैकबोन के सपोर्ट पर टिका है ओके थर्ड वन इज़ रिब केज। रिब केज क्या होता है केज बच्चों आप सब जानते होंगे केज हम किसको कहते हैं तो केज हम कहते हैं पिंजरे को तो हमार ये हमारी बॉडी में पिंजरे जैसा क्या है तो हमारी बॉडी में जो पिंजरे जैसा है वो है ये रिब्स रिब्स का स्ट्रक्चर ठीक है ये जो रिब्स हैं देर आर ट्वेंटी फोर रिब्स हमारे पास लगभग ट्वेंटी फोर रिब्स होती हैं जिनमें से ट्वेंटी हमारी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस चेस्ट बोन के साथ अटैच होती हैं लेकिन बाकी बैक साइड से ये सारी की सारी बैक बोन के साथ अटैच होती हैं आपको यहाँ पर ये दो बोन्स दिख रही होंगी एक ये वाली और एक ये वाली ये जो दो बोन्स होती हैं ये बैक साइड से हमारी बैक बोन के साथ तो अटैच होती हैं लेकिन आगे की तरफ से फ्रंट की साइड से ये इस स्टर्नम के साथ यानी चेस्ट बोन के साथ चेस्ट बोन के साथ अटैच नहीं होती हैं इनको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स वी कॉल दम एज फ्लोटिंग रिब्स दे गिव प्रोटेक्शन उनका काम होता है किडनीज को प्रोटेक्शन देना ठीक है अब ये जो बाकी रिब्स हैं ये क्या करती हैं ये हमारे हार्ट को और हमारे लंग्स को हार्ट और लंग्स दोनों को प्रोटेक्ट करके रखती हैं कवर करके रखती हैं ठीक है थीके? नेक्स्ट आर शोल्डर बोन्स सो माई डियर स्टूडेंट्स आवर शोल्डर बोन्स कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स तीन मेन पार्ट्स की मिलकर बनी होती हैं द फर्स्ट वन इज क्लैविकल क्लैविकल इसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉलर बोन द सेकेंड इज कैप्यूला ये जो चौड़ा सा भाग आपको दिख रहा है आप अपने हाथ से अपनी कंधे के ऊपर इस चीज को फील कर सकते हैं दिस ऑरेंजिश पार्ट इज कॉल्ड स्कैप्यूला इसको हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं ओके एंड द थर्ड वन इज दिस ह्यूमरस इट इज बोन ऑफ अवर आर्म अपर आर्म हमारे ऊपर की बाजू की हड्डी है जिसको हम ह्यूमरस कहते हैं ओके इट इज ऑल्सो कॉल्ड अपर आर्म बोन ये जो अपर आर्म बोन का हेड होता है ये इस स्कैप्यूला के साथ अटैच होता है और ये तीनों चीज़ें ये जॉइंट स्केपूला और क्लेविकल ये तीनों आपस में मिलकर हमारा शोल्डर को फॉर्मेशन देते हैं और हमारे शोल्डर क्या क्या काम कर सकते हैं ये आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे थ्रो करना पुल करना ये सारे काम हम कंधे के ज़ोर से कर लेते हैं है ना सो दिस इज हाउ अवर शोल्डर बोन्स आर फिक्सड टू ईच अदर नेक्स्ट इज पेल्विक बोन्स पेल्विक बोन्स आर दोज बोन्स विच आर एम्बेडेड जो हमारे पेल्विस में पेल्विस में एम्बेडेड मतलब वहां पर प्रेजेंट होती हैं वहां सिचुएटेड होते हैं ठीक है ठीके? अब पेल्विस क्या होता है इट इज द लोअर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इट इज द लोअर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी बिटवीन एबडमन एंड थाइज़, हमारे स्टमक रीजन और जांघों यानी टांगों के जो बीच का पोर्शन होता है उसको हम पेल्विस कहते हैं और पेल्विस में जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं उनको हम पेल्विक बोन्स कहते हैं आप यहाँ देख सकते हैं द रीजन बिटवीन एबडमन एंड थाइज़ थाइज के रीजन से और स्टमक के रीजन के बीच में ये जो रीजन है इसको हम पेल्विस बोलते हैं और इस पेल्विस के अंदर जो ये बोन्स होते हैं इनको हम पेल्विक बोन्स कहते हैं ठीक है हमारी दोनों टांगें यहीं पर आकर जुड़ती हैं दोनों टांगों की जो बोन्स है वो यहीं पर आकर अटैच होती हैं वॉट इज कार्टिलेज ये हमारी मेन हमारे स्ट्रक्चर्स खत्म हो गए अब जो हमने डिस्कस करना है वो है कार्टिलेज तो बच्चों कार्टिलेज जो है वो एक इलास्टिक यानी थोड़ा सा स्ट्रेचेबल टिश्यू होता है ठीक है ये एक पैडिंग देता है पैडिंग मतलब एक कुशन टाइप फैसिलिटी देता है जो कि बोन्स के एंड्स पे होते हैं एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं उनके एंड्स पे मतलब उनके सिरों पर जैसे कि यहां यहां इधर और जो हमारा बैकबोन है बैकबोन के बीच में जो स्पेस होता है बैकबोन की हड्डियों के बीच में जो जगह होती है वहां भी ये कार्टिलेज प्रेजेंट होता है ठीक है ये हमारे हमारे जो कान है देखिए कान हमको कभी कभी बहुत हार्ड लगता है लेकिन वो बोन का नहीं बना होता है इट इज अप ऑफ कार्टिलेज ओके हमारे नाक नाक की जो टिप है दैट इज ऑल्सो अप ऑफ कार्टिलेज इसी तरह रिब्स के अंदर ही जो व्हाइट व्हाइट स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्टिलेज ये भी कार्टिलेज का ही बना होता है इट इज ऑल्सो अप ऑफ कार्टिलेज ओके कार्टिलेज एक हार्ड और फ्लेक्सीबल सब्सटेंस आपको लग सकता है बट इट इज नॉट हार्ड जस्ट लाइक बोन ओके इट इज अ रबर लाइक टिश्यू जो सम प्लेसेस पे कुछ प्लेसेस पे हार्ड हो सकता है लेकिन ज्यादातर जगहों पर ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है अब आपको अपना कान थोड़ा हार्ड लग सकता है आपको लग सकता है छूने से कि आपकी कान में हड्डियां हैं लेकिन वो हड्डियां नहीं है दैट वो कार्टिलेज है नाउ अब जो बॉडी मूवमेंट्स ऑफ अदर एनिमल्स बच गई हैं वो हम अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे